सुनी एक गरीब माँ बाप की बेटी थी। किसी तरह माँ बाप ने उसकी शादी जंगल में रहने वाले बंटी कबूतर के साथ कर देता है। कुछ दिन बाद टूनी के ससुराल वाले उन्हें दहेज की डिमांड करने लगता है। फिर टुनटुनी अब तू जा के अपने मायके से कुछ पैसे आ तो कि मेरा बेटा अच्छा बिजनेस कर सके। माँ जी, मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, वह कहाँ से पैसे देंगे। मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुझे इस घर में रहना है तो जा जाकर मायके से पैसे लेकर आ। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझसे नहीं लगता कि मेरे माँ बाप की डिमांड को पूरा कर सके। अगर तू पैसे लेकर नहीं आएगी तो वहीं रह जाना, फिर यहाँ आने का कोशिश भी नहीं करना। मेरा बेटा जवान है, मैं किसी और से शादी कर दूंगी। मजबूरी में टुनटुनी अपने मायके जाती है, लेकिन अपने माँ बाप की हालात देखकर वो उनसे कहती नहीं है। एक दिन टुनटुनी को उल्टी होने लगती है। क्या हुआ बेटा, तुझे उल्टियाँ क्यों आ रही है। बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम माँ बनने वाली हो। ये सुनकर टूनी चिंतित हो जाती है और अगले ही दिन ससुराल जाती है। या बहू या ये ले मिठाई खा, तेरी माँ ने पैसे दिए हैं ना, कल ही बंटी का नया बिजनेस शुरू करवा दूंगी। माँ जी, मेरे माँ बाप ने नहीं दिए हैं, उनकी हालात देखकर मैं तो उनसे पैसों की बात ही नहीं कर पाई। तू यहाँ क्यों खड़ी है, चल निकल जा, मैं अपने बेटी की शादी किसी और चिड़िया से करवा दूंगी। कहकर टुनटुनी के सास बबली कबूतर उसे धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देती है। टुनटुनी रोती रोती अपने मायके जाती है और समय आने पर एक नन्ही चिड़िया को जन्म देती है। टुनटुनी दूसरे के घर में झाड़ू पोछा कर अपने बच्चों को पालने लगती है। ऐसा ही कई साल गुजर जाते हैं। एक दिन जब टुनटुनी की बेटी भूरी स्कूल से आती है। माँ ये देखो, ये जूते तो फट जाते हैं, मेरी सहेलियाँ मेरे मजाक उड़ाती है, मुझे नए जूते लाकर दो तभी स्कूल जाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं ले दूंगी, लेकिन एक दो दिन रुक जा, जैसे ही मुझे महीने के पैसे मिलेंगे तुझे खरीद कर ला दूंगी। है माँ, दो दिनों तक इंतजार कर लूंगी, अगर मेरे नए जूते नहीं लाए तो स्कूल नहीं जाऊंगी। दो दिन बाद टुनटुनी भूरी के लिए जूते खरीद कर लाती है तो उसे देखकर खुश हो जाती है। माँ ये जूते तो बहुत सुंदर है, मैं अभी अपनी सहेली को दिखा कर आती हूँ। इसी तरह समय गुजरने लगता है। भूरी अब बड़ी हो जाती है। टुनटुनी को भूरी की शादी की चिंता सताने लगती है कि शादी की लायक हो गई है, मुझे कोई अच्छा लड़का देखकर शादी कर देनी चाहिए। ऐसे में एक दिन भूरी टुनटुनी के पास आकर बताती है, पास जंगल में काम करने वाले कौए से प्यार करती हूँ, तुम कहो तो मैं उसे लाकर और मिला दूँ। ठीक है बेटा, तुम्हारी जैसी मर्जी, अगर तू उस कौए के साथ खुश है तो मैं भी खुश हूँ। भूरी उसे कालू कौआ को टुनटुनी से मिलावाती है। जल्दी ही उन दोनों की शादी तारीख पक्की हो जाती है। एक दिन भूरी जब अपने कालू के साथ घूम रही थी, उसके हवाई मोटर के एक्सीडेंट हो जाती है और उसे हादसे में भूरी की आंख की रोशनी चली जाती है। तब टुनटुनी डॉक्टर उसे कहती है, डॉक्टर अब मेरी आंख मेरी बेटी को लगा दीजिए, मैं तो बहुत दुनिया देख ली, लेकिन मैं अपनी बेटी को अंधा
हुआ नहीं देख सकती। टुनटुनी अपनी दोनों आँखों अपनी बेटी को दे देती है। कुछ दिन बाद भूरी ठीक हो जाती है। माँ, तुमने मेरे लिए अपने आँखों का बलिदान दे दिया। मैं तुम्हें अकेला रहने नहीं दूंगी, तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। भूरी की शादी पूरे रीति रिवाज से हो जाती है और अपने माँ को अपने ससुराल ले जाती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।